चिंगहोंग रूबा का पैनल है जिसमें बहुत प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कुछ टाइम ठीक चलता है उसके बाद डेड हो जाता है। पहले तो हम बात करेंगे इसको बाईपास करने की। ये हम बाईपास के लिए कार ले आए हैं, लैंप और ऑपरेटिंग के लिए सप्लाई 12 वोल्ट के लगाएंगे, इसको बाईपास करेंगे। दूसरा ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है कभी करंट 1.5 एम्पीयर मतलब 300 वाट पे चला गया, अभी 200 वाट पे आ गया, 200 से कम आ गया। एलईडी जो है वो टोटल हमारी 30 वाट की है। तो ये जो है करंट, इसको इस तरह ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले कोशिश करेंगे कि इसकी सप्लाई रिपेयर हो जाए, ये अपने करंट पे आ जाए। अगर सप्लाई नहीं रिपेयर हो गई तो इस सप्लाई को बाईपास करेंगे। बाईपास करके हम आगे एक और सप्लाई लगाएंगे और उसके साथ ये एलईडी ऑपरेटर कार्ड लगाएंगे, लगा के फिर इसको ऑपरेट कराएंगे और फिर देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या देता है और पावर कंजम्पशन कितनी होती है। ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन है। लाइट कनेक्ट हो गई है 12 वोल्ट के साथ, ये आगे कार्ड कनेक्ट हो गया, ये हमने ऑन ऑफ की वायर लगा दी है और अभी हम जो है वो इसके साथ सप्लाई कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट की, फिर इसको ऑन करके चेक करेंगे। वेलकम बैक। ये हमने डीसी पिन लगा दी इसके साथ, तो इसको हम आगे से कट कर लेंगे चार्जर में लगाने के लिए। मेरे पास फीमेल सॉकेट अभी अवेलेबल नहीं थी। ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं लैंप कार्ड के साथ और ये हमारा कार्ड होगा। हम इसको वापस फिट करते हैं और पहले चेक करेंगे हमारे वोल्टेज कहाँ कहाँ पर स्टेबल आ रहे हैं। 12 वोल्ट जिससे हमने लैंप कार्ड को ऑन करवाना है, तो इसको कर देते हैं इसकी जगह पर फिक्स। इसकी ये वाली सप्लाई उतार देते हैं, इसको डेड कर देते हैं, इसको रख देते हैं साइड पर। और हमने टेस्ट करना है हमारे 12 वोल्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं। इससे पहले हमने इसको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। ये जी इसमें करंट आ गया, बोर्ड इसका ऑन हो गया, लैंप भी ऑन ही हो रहे। मैं इसको रिमोट से, ये मैंने इसकी सप्लाई उतारी हुई है और इसको 12 वोल्ट इसके साथ चलाया हुआ, तो अभी मैं इसको रिमोट से ऑन करूँगा। ऑन हो गया और इसके देखूंगा कि 12 वोल्ट यहाँ पे कहाँ पे हमें मिल रहे हैं जो रिमोट के साथ ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो वो आपको ट्रेस करने पड़ेंगे। आपके यहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे होते हैं, इस आईसी पे भी ऑपरेट होते हैं। मैं इस आईसी से लूँगा, इससे नहीं लूँगा। तो मैं चेक करता हूँ मुझे कहाँ से मिलते हैं वोल्टेज और फिर इसको कनेक्ट करता हूँ। वेलकम बैक। ये जी हमें इस आईसी की जो फर्स्ट लेग है, ये हमारा लैंप कार्ड ऑपरेटिंग आईसी, इसके ऊपर 12 वोल्ट मिल गए। और अब हम इसको लगाते हैं प्लग में। ये मैं इसका प्लग लगा रहा हूँ, 12 वोल्ट इन कर दिया मैंने। अभी इसका पता चल जाएगा टीवी हमारा ऑन होता है या नहीं। ये रेड लाइट आ गई है, रिमोट से इसको ऑन करूँगा। लाइट ऑफ हो गई है, वो हमारी एलईडी लाइट का ग्रिप मिस हो गया था लगाना, तो अब हम इसको प्लग लगाते हैं, स्टेटस चेक करते हैं। ये हमारा टीवी ऑन हो चुका है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले। हमने इसकी सप्लाई ये पड़ी हुई है हमारी, हमने इसको कोई प्लग शुलग नहीं लगाया। ये हमारा प्लग इधर पड़ा हुआ है, ये सप्लाई इधर पड़ी हुई है और ये हमारा इस सप्लाई के साथ चल रहा है। ये वायरिंग कनेक्ट है हमारी इसके साथ, तो मैं इसको उठाता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास डिस्प्ले आ गया है, सब कुछ आ गया है और ये हमारी सप्लाई हो गई है जंप। ये इसकी सप्लाई हमने डेड कर दी है और हमने इसको 12 वोल्ट सप्लाई अलग पे चला दिया है। तो आपके पास कोई भी टीवी होता है आप उसको इस तरह ऑपरेट करवा सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गई है, लाइटें भी बंद हो गई हैं, सारा ऑटो काम कर रहा है। फिर से ऑन कर देता हूँ, लाइटें ऑन हो गई हैं, सारा ऑटो काम कर रहा है। तो ये इस तरह आप इसको अपने टीवी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके टीवी की सप्लाई डेड हो जाए या उसके पार्ट्स ना मिले तो। थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक। ये जी हमारा एलईडी डिस्प्ले और ये हमारी लाइट ऑन हो गई है और ये चेक करें, ये हमारा टीवी ऑन हो गया। ये हमने सप्लाई जो है बाईपास की है और बाईपास करके टीवी को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका अपना प्लग पड़ा हुआ है, ये मैंने अभी प्लग नहीं किया, मैं इसके अंदर इंटरनल वाली सप्लाई ला के लगाऊंगा बाद में। तो फिल वक्त मैंने इसको इस पर कनेक्ट कर दिया है।